हेलो एवरीवन, ये हमारा आज का नया चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड विल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर है इसमें क्रैम्पिंग पार्ट यानी कि जो रटने वाली चीज है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हर एक चीज हमें डिटेल से समझनी पड़ेगी, उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बना रहेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर की खास बात ये कि अगर आपने इसका बेसिक मिस कर दिया या फिर बीच के कोई क्लास मिस कर दी तो आगे आने वाले टॉपिक को आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज शुरू से आखिर तक कंटिन्यू बने रहिएगा। जितने भी वीडियो बनते हैं प्लीज इसको डेली देखिएगा, तो आई थिंक शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके कंपिटिशन एग्जाम के लिए तो है ही। ठीक है, जो ये यूनिट है मोलिकुलर वाली, जिसके अंदर तीन चैप्टर है आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बायो एंड द इवोल्यूशन, ये 18 नंबर की यूनिट है। तो जितने मेजर क्वेश्चन बनते हैं, जो भी पास नंबर के बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो लगभग इसी यूनिट से बनते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वाले से, और कंपटीशन एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव बनते बनते हैं। इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ का काफी चैप्टर। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं दो टर्म से। सबसे पहले बेसिक लेके चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दो टर्म यूज करी गई है, एक है इनहेरिटेंस और दूसरी है वेरिएशन। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वन इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या है? ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, कि जो हेरिडिटी है वो किस तरीके से हो रही है, उस प्रोसेस को जो पढ़ेगा वो क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि हेरिडिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं हेरिडिटी के ऊपर, उसके बाद में फिर हम आएंगे डिटेल से इनहेरिटेंस के ऊपर। तो हेरिडिटी का मतलब है कि माँ बाप के कैरेक्टर बच्चे में जाना, या फिर कैरेक्टर्स का जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते रहना, दैट इज नोन एज द हेरिडिटी। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज नोन एज द हेरिडिटी। ठीक है, तुम लिख सकते हैं इट इज ट्रांसमिशन या फिर पासेज ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन भी बोल सकते हैं, और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली वर्ड यूज करा गया है जो जीन से रिलेटेड है। ठीक है, जो जीन से रिलेटेड है वही जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होगा। ऐसा नहीं है कि बाप का हेयर स्टाइल बच्चे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फादर का जो नेचर है वो बच्चे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फादर की इंटेलिजेंसी है, जो उसकी डिग्री है, वो बच्चे के अंदर चली जाएगी। तो उसे वही कैरेक्टर जो जीन के द्वारा कंट्रोल है, वही कैरेक्टर पेरेंट्स से किसके अंदर जाएंगे, बच्चे के अंदर जाएंगे, या फिर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होंगे, तो वो कहलाते हैं आपकी हेरिडिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे अगर मान लो कोई टोल पेरेंट्स है यानी कि फादर और मदर दोनों कैसे हैं, टोल है, तो बच्चे के भी टोल होने के चांसेस कैसे हैं, ज्यादा है। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि एक पेरेंट्स बड़ा और एक छोटा है तो भी बच्चा लंबा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन एंड जया भादुरी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी की हाइट लगभग 6 फीट 2.5 इंच के आसपास में, जया भादुरी जी की हाइट लगभग 4 फीट 8 इंच के आसपास में। ठीक है, और जो अभिषेक बच्चन है उसकी हाइट फादर पे गई है, तो वो भी किसको शो करता है, हेरिडिटी को शो करता है। इसके अलावा हम हेयर की बात करें, अगर मान लो पेरेंट्स की हेयर कर्ली है तो बच्चे की हेयर भी कैसे होंगे, कर्ली होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंप्लेक्शन की बात करते हैं,
तो माँ बाप का कम्प्लेक्शन भी बच्चे को अफेक्ट करता है, बट 100% तरीके से वो अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो कम्प्लेक्शन है, स्किन कम्प्लेक्शन है, वो जीन के द्वारा तो कंट्रोल हो गई होगा, उसके साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, उसकी जो डाइट हो गई, जो डेली रूटीन हो गया, वो भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कुल मिला के हम ये बोलते हैं कि माँ बाप के कैरेक्टर बच्चे में जाना डैडी नोन होता हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, वो चीज कहलाती है आपकी इनहेरिटेंस कहलाते हैं, जो इस प्रोसेस को डील करता है। ठीक है, तो दैट प्रोसेस, इट इज प्रोसेस विच डील अबाउट हेरिडिटी। देखिए, माँ बाप के कैरेक्टर बच्चे में गए तो वो चीज कहला रही हेरिडिटी, बट कैसे जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, वो चीज क्या कहलाएगी, इनहेरिटेंस कहलाएगी। तो आई थिंक शायद पहले टर्म क्लियर हो। हेरिडिटी में हम बोलते हैं कि हेरिडिटी फॉलो लाइक बेगेट लाइक, हेरिडिटी फॉलो लाइक बेगेट्स लाइक, यानी कि जो चीज जैसी है हेरिडिटी से वैसे ही वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जो मेंबर है वो खुद के ही जैसे मेंबर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप, खुद के जैसे टाइप का एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। जिसे मान लो एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जो मेज है, मक्का है, वो मेज प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द मेज सीड। मैंगो का ट्री है, उससे मैंगो की फॉर्मेशन होती है। कैट है, वो कैट को ही प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन है, वो ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ ना कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो माँ बाप से बच्चे के अंदर जा रहे हैं और खुद का ही जैसा ओरिजिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो वही चीज क्या है, दैट इज द हेरिडिटी है। ठीक है, तो जैसे मैंगो मैंगो को प्रोड्यूस कर रहा है, कैट कैट को, ह्यूमन ह्यूमन को, तो कुछ ना कुछ चीज आगे जनरेशन में जा रही है जो सेम टाइप ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। वही चीज क्या कहलाती है, आपकी हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है, अब जो इतने भी इंडिविजुअल आए हैं, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके दो या तीन सिबलिंग है, ठीक है, उनके दो या तीन बच्चे हैं, ठीक है, जो सिबलिंग है, क्या वो 100% एक दूसरे से मैच करेंगे? नहीं भाई, जो हमारे भाई बहन हैं, क्या उनकी शक्ल हमसे क्या 100% मैच करती है? नहीं करती, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है। किसी की हाइट मान लो 6 फीट है, किसी के 5'11" है, किसी की 5'10" है। ठीक है, जैसे मान लो किसी का कम्प्लेक्शन बिल्कुल फेयर है, किसी का थोड़ा सा ब्रिटिश हो गया, किसी का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाइट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो किसी की हेयर स्ट्रेट हो गई, किसी के थोड़े से कर्ली हो गए, तो ये भी एक डिफरेंस आ सकता है। तो 100% सिमिलरिटीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इवन उनकी वॉइस के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। तो कभी भी दो इंडिविजुअल एक दूसरे के सेम नहीं होते हैं, और उसी डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं। कि जो भी दो इंडिविजुअल हैं एक स्पीसीज के, उनके बीच में जो भी डिफरेंस है, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं वेरिएशन की। तो डेफिनेशन देखते हैं, सेकेंड दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, हैव सम
डिफरेंसेस। दीज आर कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन, और उन्हें डिफरेंस को हम क्यों बोलते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी सिंपल सी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टोल्ड देम, इन्होंने द वेरिएशन, एनी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, या फिर आर नोन एज वेरिएशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोल देते हैं। हेरिडिटी कहती है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और दूसरी कौन सी हो गई, वेरिएशन। अब हमने दो टर्म्स पढ़ लिए, द वन इज द हेरिडिटी और जो दूसरी टर्म है दैट इज वेरिएशन, ठीक है। और एक साइंस की वो ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को एक साथ डील करे, जो दोनों को स्टडी करे, तो दैट ब्रांच इन्होंने द जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस विच डील अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन नोन एज जेनेटिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स का जो फादर बोला जाता है, पहले टर्म पे आ जाते, चलो जो जेनेटिक्स टर्म है दैट इज गिवन बाय बेटसन, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय बेटसन, बेटसन ने दी थी। और जो बेटसन है दैट इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। बेटसन आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, किसको बोले, मॉडर्न जेनेटिक्स का। तो फिर जेनेटिक्स का फादर किसको बोलते हैं, वो भी देखते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अभी बात आ जाती है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं ग्रिग और जॉन मेंडल को बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज ग्रिग और जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रिग और जॉन मेंडल। कहीं कहीं पे आपको जी जे मेंडल भी मिलेगा, या फिर बहुत सारे एग्जाम में तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेंडल ही मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, वो चीज हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब ये जितना भी काम है इस जेनेटिक्स के अंदर, उस पूरे को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जितना भी जेनेटिक्स का काम है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उनको बेटर वे में स्टडी कर सकें, ठीक है। तो जेनेटिक्स में जितना भी काम किया गया मेंडल के आने से पहले उसको बोला गया प्री मेंडलिज्म बोला गया, ठीक है। वो सारा का सारा काम जो मेंडल के आने से पहले किया गया था दैट इन्होंने द प्री मेंडलिज्म, या फिर प्री मेंडलिज्म बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, तब मेंडल जी आ गए थे तब उन्होंने जो काम किया तो वो चीज कहलाएगी दैट इज मेंडेलियन, या फिर मेंडेलिज्म कहलाती है, ठीक है। और तीसरा, मेंडल जी के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया, तो उसको बोलेंगे पोस्ट मेंडेलियन, या फिर मेंडेलिज्म बोल देंगे पोस्ट मेंडेलियन। तो हमने इस जेनेटिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू अवर कंफर्ट ताकि हम इसको आसानी से स्टडी कर सकें, ठीक है। अब इन तीनों को एक एक करके हमें डील करना है। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड द कंपटीशन एग्जाम दैट इज मेंडलिज्म एंड द पोस्ट मेंडलिज्म, ठीक है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है,
कंप्लीट एग्जाम के लिए, खास करके पोस्ट मेंडेलियन, जो डिजीज वाला जो पार्ट है वो काफी जरूरी है, ठीक है। जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, जहां से ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ना जहां पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पहले कभी बनते थे, ठीक है, काफी पहले बनते थे, बट अभी नहीं बनते यहाँ से क्वेश्चन, वो है प्री मेंडेलिज्म। ये इतने जरूरी नहीं है, बट हमें इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल से नहीं चलेंगे, जो इसकी मेन मेन थ्योरीज है वही हम यहाँ पर डील करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम आ जाते हैं सबसे पहले किसके ऊपर, प्री मेंडेलिज्म पे आ जाएंगे, जो मेन मेन थ्योरी कुछ चार पांच उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है दैट इज प्री मेंडेलियम या फिर मेंडेलिज्म। वो सारा का सारा काम जेनेटिक्स में जो मेंडल के पहले किया गया वो क्या कहलाया आपका, प्री मेंडेलिज्म कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जितनी भी थ्योरी आई उन सभी थ्योरी को एक साथ में बोल दिया है थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ऑल दोस थ्योरीज और वर्क विच वर परफॉर्म्ड बिफोर मेंडल, ठीक है, नेम है तो हम बड़ा करते हैं बिफोर मेंडल, इन्होंने द प्री मेंडलिज्म, ठीक है। और जितने भी थ्योरीज के अंदर आएगी उन सभी थ्योरी को हम एक साथ में बोलते हैं एंड All theories are collectively known as, क्या बोलते, दैट इज थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। एक वर्ड यहां पर यूज हुआ दैट इज ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सअप। हमारे किचन में होता है ब्लेंडर, मिक्स करने वाला, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, ब्लेंड करने वाला, जो एक हाथ की छोटी सी मशीन होती है जिससे आप किसी भी चीज को मैश करके मिक्स कर सकते हो, वो चीज कहलाती है ब्लेंडर, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इन सभी थ्योरी का ये मानना था कि जो माँ बाप के कैरेक्टर हैं वो बच्चे में जाके क्या हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, इसीलिए क्या बोला गया इसको, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग बोला गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज ऑल पेरेंटल कैरेक्टर्स गेट मिक्सअप, मिक्सअप बोल दूं या फिर गेट ब्लेंड, ठीक है। वो इसीलिए इसको क्या बोला गया, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोला गया। अब इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी दी गई वो हमें यहाँ पर देखते हैं, जो फेमस है वो देखते हैं, तभी थ्योरी पढ़ेंगे तो इवन सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि ऐसे ऐसे भी थ्योरी दी गई है ऐसे ऐसे फेमस साइंटिस्ट के द्वारा। अभी सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, पहले उनको लगता था कि थ्योरी सही है, लेकिन बाद में पता चला कि जितनी भी ये थ्योरी है वो सारी की सारी नेगलेक्टेड है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी, तो इन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई भी थ्योरी में से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, एक बार आइडिया लेना पड़ेगा कि कौन कौन सी थ्योरी है, ठीक है। फर्स्ट वन जो थ्योरी है दैट इज मोइस्ट वेपर थ्योरी, मोस्ट वेपर थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये थ्योरी दी गई थी पाइथागोरस जी के द्वारा, गिवन बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस, इस थ्योरी का ये मानना था कि जो मेल और फीमेल है वो कुछ मॉइस्ट वेपर्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, जुड़ेंगे और वो फिर क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे बच्चे के अंदर, ठीक है। तो इस थ्योरी का ये मानना था कि दोनों पेरेंट्स कुछ वेपर्स रिलीज करते हैं
जो हर एक ऑर्गन क्या करेंगे, कुछ वेपर्स रिलीज करेंगे, और ये जो वेपर्स है वो इंटरक्रॉस के दौरान, फिजिकल कॉन्टेक्ट के दौरान क्या करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे अलग अलग बॉडी पार्ट बनेंगे किसके, बच्चे के। तो ये थ्योरी था आपकी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ठीक है, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ इसमें कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच ऑर्गन ऑफ बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल विल प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस मोइस्ट वेपर ड्यूरिंग कोइटिस। कोइटिस का मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट के दौरान। ठीक है, विच गेट मिक्सअप एंड फॉर्म डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। जो वेपर बने थे वो कोइटस के दौरान आपस में जुड़ेंगे, बच्चे के अंदर जाएंगे, और वो जो वेपर थे जो सभी ऑर्गन से निकले थे वो जुड़ने के बाद में बच्चे के ऑर्गन्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, ये थी पहली थ्योरी, दैट इज मोइस्ट वेपर थ्योरी। इसी तरीके से दूसरी थ्योरी आई, दैट इज फ्लूइड थ्योरी। इन थ्योरी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, फ्लूइड थ्योरी, दिस थ्योरी गिवन बाय, दिस थ्योरी गिवन बाय एम्पीडोल्स, एमपी डोक्लेस या फिर डोल्स को। ठीक है, इन्होंने दी थी। इनका भी यही मानना था कि हर एक बॉडी पार्ट क्या करेगा, फ्लूड रिलीज करेगा। जो फ्लूड है दोनों पेरेंट्स का, क्या वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, और जो एम्ब्रियो को बनाने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अगर मिक्सअप होने के दौरान कोई भी डिफेक्ट हो रहा है, कोई भी पार्ट जो सेडल से मिक्सअप नहीं हो पाया है, तो आने वाले बच्चे के अंदर भी वो पार्ट कैसे होगा, डिफेक्टेड होगा या फिर अबनॉर्मल होगा। ठीक है, तो ऐसा बोला गया था। तो ईच बॉडी पार्ट विल प्रोड्यूस सम फ्लूड विच गेट मिक्सअप एंड यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को बनाने के लिए काम में आएगा। ठीक है, अगर मिक्सअप करते टाइम कोई भी डिफेक्ट हो रहा है तो वो कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा किसी भी एक पेरेंट्स का। ठीक है, दोनों पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट्स का कैरेक्टर वो मिक्सअप हो जाएगा। तो एनी डिफेक्ट इन मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड रिजल्ट टू मिक्स मिसिंग ऑफ कैरेक्टर, मिसिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ वन पेरेंट और बोथ पेरेंट। ठीक है, जो सडन से मिक्सअप नहीं हो पाया वहां से वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। थर्ड वन इज द
रिप्रोडक्टिव ब्लड क्यों, ये जो छुरी है वो ही बोलती है कि दोनों पेरेंट्स से कुछ प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा प्योर होगा वो किसका होगा, मेल का, और जो फीमेल का उसके कंपेरिजन में कैसा होगा, इम्प्योर होगा। मिक्सअप करेंगे तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखाई देंगे, बट प्योर किसका था ज्यादा, मेल का, तो इसलिए जो बच्चा होगा वो ज्यादा किससे मैच करेगा, फादर से ज्यादा मैच करेगा, या फिर बच्चे के करेक्टर किससे ज्यादा मैच करेंगे, फादर से ज्यादा मैच करेंगे, ठीक है। और जो ये थ्योरी थी दैट इज गिवन बाय अरिस्टोटल, बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल जी के द्वारा ये दी गई थी, ठीक है। ये थ्योरी बोलती है कि मिल्क प्रोड्यूस हाईली प्योरिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम और बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो मेल से जो फ्लूड आ रहा है वो प्योर ब्लड है, काफी ज्यादा प्योर है, और जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट है सभी बॉडी पार्ट्स के लिए। फिर फीमेल की बात करें, फीमेल आल्सो प्रोड्यूस फ्लूड विच इज इम्प्योर इन नेचर, कैसे है, इम्प्योर है, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, दोनों जो रिप्रोडक्टिव ब्लड है वो क्या जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, एंड बोथ रिप्रोडक्टिव ब्लड ब्लड गेट मिक्सअप और कोएगुलेट इन फीमेल बॉडी एंड मेक एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा। बट जो प्योरिटी है वो किसकी थी, मिल्क की थी, तो इसके वजह से जो एम्ब्रियो होगा या फिर जो बच्चा होगा जो प्रोजेनी होगी उसके कैरेक्टर किससे मैच करेंगे, फादर से ज्यादा मैच करेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू प्योरिटी या फिर प्योर नेचर ऑफ फ्लूड इन मेल कैरेक्टर्स ऑफ ऑफ ऑस्प्रिंग या फिर बेबी इज आर मोर सिमिलर टू फादर, तो किसे ज्यादा मैच करेंगे, फादर से ज्यादा मैच करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी तीसरी थ्योरी दैट इज रिप्रोडक्टिव थ्योरी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी की बात करते हैं, पेनजेनेसिस थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।